आशा है दोस्तों के से आप सभी कदम खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबसे पहले जुमा मुबारक। आपका भाई जो है अभी नमाज पढ़कर आ गया है और यहाँ पे देखो बैं बैं होने लग गया। इनको पता चल जाता है यार, आज तो मैंने दरवाजा भी नहीं बजाया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ बताओ। हाँ नहीं, मैंने दरवाजा बजाया, दरवाजे की आवाज़ पहचानते हो, तो फिर आज कैसे पता चला? अच्छा मेरी आवाज़ आ गई थी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी ना आपने जब सलाम करा ना तो हमें आपका सलाम यहाँ पे पहुँच गया, तो वालेकुम सलाम। आपका चारा अभी दे देते हैं। ओए अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दो दिन से आज फिर से चारा ख़त्म है यार। असल में यार अबू ला नहीं रहे, पहले अबू ले आते थे। और भाई क्या हाल चाल, नहाया नहीं अभी तक? आए मोए मोए भाई, यहाँ पे जो है ना हमारी नीचे बिल्डिंग की जो मोटर है ना वो ख़राब हो चुकी है, तो उस वजह से जो है ना आज पानी ऊपर मतलब आया हुआ है नीचे वाले टैंक में। ऊपर जो टैंकी बनी हुई है ना, इसके ऊपर जहाँ हम चढ़ते हैं वहाँ पे अभी पानी खाली हो चुका है। तो आपके भाई ने कल नहा लिया था तो आज बचत हो गई है। वैसे भी जुम्मे का दिन है तो कल ही आपके भाई ने नहा लिया था। लकीली मतलब मुझे पता नहीं था कि मोटर ख़राब होगी, वो तो कल नहा लिया, आज दोबारा से जब उठ के देखा तो पानी नहीं आ रहा। ये बेचारा रह चुका है। बाकी यार वो उसने तो नहा लिया ना आयाज ने। अरे हाय हाय, कोई नहीं कोई नहीं, अभी अब्बू सही करवा रहे हैं नीचे, अब्बू सही करवा रहे हैं, अभी पानी आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा। और अभी जो है ना जब आपका भाई नमाज पढ़ने जा रहा था ना, तो हमारी टर्की की फीमेल है ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। अब ये शोर पता है क्यों मचा रही थी? इसने देना है अंडा यार, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है इसके अंडे का। और मैंने जो है ना सबको होशियार कर दिया कि भाई फुल ख्याल रखना टर्की की फीमेल का, इसने अंडा दिया और वो खाना नहीं चाहिए, मतलब ये खाए ना। तो यार हमने इसकी मेडिसिन वगैरह तो पूरी कर दी है, बाकी यार अल्लाह मालिक के यार ये अंडा अगर दे के ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने इसको कैल्शियम वेल्शियम के सिरप भी पिला दिए हैं। हमने बीच में इसने गैप लिया था ना अभी अंडों के बीच में काफ़ी टाइम, तो हमने उस दरमियान जो है इसको कैल्शियम वेल्शियम के सारे सिरप पिलाएं। उम्मीद तो नहीं है कि ये अंडा दे के आप खाएगी, बाकी यार अल्लाह के हाथ में और इसके मुंह पे। अगर इसने अपना मुंह नहीं मारा ना तो हम अंडा बचाने में कामयाब रहेंगे। तुम भी सुन लो, ये जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके बाद ध्यान रखना, सही है ना? इसने अंडा देना है, किसी भी टाइम ये अंडा दे सकती है। आज जो है ना आपके भाई ने एक ज़रूरी काम ये करना है कि मैडम के 5 अंडे हमारे पास आ चुके हैं, तो ये अंडे जो है ना हमने उठा के इंक्यूबेटर के अंदर डालने हैं। हाँ अरे उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला वाला, मैं अभी खोल के तो गया था, खुला हुआ था मतलब मैं इनको बंद करके गया था जब मैं जा रहा था ना, मैंने लगा इनको बंद कर दूं कहीं ऐसा ना पीठ पीछे कहीं फरार हो जाए। चाबी वहीं पे रख देना संभाल के और दरवाज़ा खोल के रख दो। वो देखो रैबिट भी अंदर घुसे हैं, उनको भी ऐसे छोड़ के ही जाता। तो मैडम के अंडे और हमारी बिग डक्स के अंडे आपके भाई ने इंक्यूबेटर के अंदर डालने का सोच लिया है, क्योंकि यार ये तीनों की तीनों फीमेल जो है ना 3-4 ये लड़ी जा रही हैं, इनको मैंने अंडे डिवाइड कर दिए। अब मेरे पास इतनी जगह है नहीं कि मैं इनको अलग अलग कहीं पर बिठाऊँ, और ये बड़ी भी है ना यार, अब इनके लिए हमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए, मैं कहाँ बिठाऊँ इनको अंडों पे? एक तो वहाँ बैठी हुई, एक को यहाँ बिठाया था, वो फिर से अंडे खींच के वहाँ पे ले गई, तो अब ये मसला आ रहा है। तो अब मैं जो है ना ये सोच रहा हूँ कि इनके अंडे उठा के चेक करके जो है ना इंक्यूबेटर के अंदर डाल देते हैं, अगर बच्चे निकल आए तो ठीक, नहीं तो फिर यार अल्लाह मालिक है। तो अभी जो है ना इनको पहले बाहर निकालता हूँ, ये इन्होंने गेट तोड़ दिया है ना, इस वजह से यहाँ पे ये लगाना पड़ रहा है यार, इनके केज की जो है ना नई जाली लगानी पड़ेगी हमें। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे 3 फीमेल हमारी बैठी हुई है कैसे लड़ झगड़ के यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इनके अंडों का। अभी तो फिलहाल मैं इनके अंडे चेक करूँगा अंदर, ये देखें ये अंडे भी बाहर आ जाते हैं, इतनी लड़ाइयाँ करते हैं कि इनके अंडे भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ रखो रखो रखो, नहीं नहीं अभी किसी को नहीं खोलना, सब्र करो, मेरे को पहले अंडे उठा के चेक करने दो। हटो, देखो इसके नीचे एक भी अंडा नहीं है, और इसके नीचे कितने अंडे हैं, इसके नीचे भी कोई अंडा नहीं है, सिर्फ ये वाली डक बैठी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना इन सबको हटाता हूँ, एक ही डक को बिठा देता हूँ अंडों के ऊपर। ये देखो फिर भाग गई, नहीं 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 नहीं, बार बार इसको बाहर छोड़ दो, जाओ बाहर जाओ, बाहर छोड़ दो। अब दिखाओ तुम्हारे नीचे कितने अंडे रहेगा, इसके नीचे ओए 2-4-5-6, ओए एक अंडा तोड़ दिया इन्होंने, कल ही तो रखे थे 7 अंडे। हटो 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 हटो, ये देखा हाँ एक अंडा तोड़ दिया इन्होंने, अभी चेक करके लाता हूँ। ये रहा। एक अंडा दोस्तों इन्होंने फिर से तोड़ दिया है यार, ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब 6 अंडे बचे, 3 और 3 6 अंडे बचे। अब आपका भाई यही करेगा यार, इनके अंडे चेक करके जो है ना या तो इंक्यूबेटर में डालता हूँ, या तो किसी एक फीमेल को पकड़ के जो ना उसके नीचे रख देते हैं सारे अंडे। उन्होंने फिर से एक अंडा तोड़ दिया, बड़ी वाली तक 7 अंडे थे अभी 6 हैं, फिर एक अंडा तोड़ दिया। अब इनकी कैंडलिंग करता हूँ, और 7 अंडे थे कल, मैंने 7 रखे हैं,
अच्छा दिया, मतलब उन्होंने दो अंडे तोड़ दिए। ओए होए, अम्मी ने सुबह पाँच देखे तो हमने कल सात रखे थे, दो अंडे उन्होंने पहले तोड़ दिए और आज कोई ताज़ा अंडा दिया इसमें से। तो अब इसमें से जो है ना हम कैंडल करके चेक करते हैं। हाँ अब चेक करने ना ये, नहीं तो मशीन में डाल देंगे, क्योंकि जो है ना ये वाला भी ताज़ा लग रहा है और इसमें से जो है ना एक दो अंडे ताज़े होंगे। ये वाला भी ये वाला है फर्टाइल, ये वाला है दोस्तों फर्टाइल, ये वाला फर्टाइल है, ये वाला भी फर्टाइल है, ये वाला भी फर्टाइल है दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बिग डक के है ना एक से दो अंडे फर्टाइल हैं, मतलब उसमें जो है ना आपके भाई को थोड़ा सा डाउट है, मतलब उम्मीद है कि है ना आ जाएंगे इस बार बच्चे। लेकिन अब जो है ना हमने सेटिंग करनी है, क्योंकि ये इसी तरह लड़ती रहेंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब करेंगी। अब हमें इसमें से एक फ़ीमेल को निकाल के इस तरफ करना पड़ेगा। पहले तो इन अंडों को उठा के यहाँ पर रखता हूँ मैं संभाल के, ताकि ये कहीं गिर ना जाए। और यहाँ से हम निकालेंगे प्रोफेसर को, क्योंकि प्रोफेसर का टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रोफेसर यार सॉरी यार दोस्त, अब तुम्हें बाहर आना होगा, यहाँ पे हमने बिग डक को रखना है, उसके बच्चे आएंगे, इसलिए तुम आ जाओ बाहर, प्लीज़ कम हियर, आओ। ब्लॉक तो ऑलरेडी पड़े हैं जो हमने मैडम के लिए रखे थे, अब हम जो ये ना ये करते हैं कि ब्लॉक को थोड़ा सा और यहाँ पे कर देते हैं और वहीं से जो है ना इन्होंने जो अपना नेस्ट बनाया वही नेस्ट उठा के यहाँ पे रखते हैं और एक डक को करते हैं यहाँ पे शिफ्ट, जो अच्छे इंक्यूबेट कर सकती है। तो अब एक काम करते हैं, समझ नहीं आ रहा कि किसको हम वहाँ से निकाल के शिफ्ट करें, कौन सी डक जो है ना हम शिफ्ट करें, समझ नहीं आ रहा। मेरे जो है ना अब हाथ कांपने लग गए, क्योंकि यार मेरे को एक उम्मीद नज़र आई है यहाँ पे, इस वजह से मेरे हाथ कांपने लग गए। ये देखें हमने नेस्ट बना दिया है, नीचे जो है ना आपके भाई ने फटाफट से वो वाली येलो वाली घास रख दी और ऊपर जो है ना वो वाला थोड़ा सा जो है ना वो जो यार इनकी पोटी छोटी जो थी वो वाले जिधर इन्होंने खुद से बना के रखा हुआ था ना वो वाले केज, वही थोड़ा सा उठा के यहाँ पे डाल दिया ताकि उसको जो है ना मतलब कंफर्टेबल फील रहे। तो इसमें से सबसे पहले जो है ना हम अंडे निकाल के रखते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के यार आज की डेट याद रखिएगा, और जिन अंडों पे उम्मीद है ना उन पे आपके भाई ने ऐसे निशान लगा दिए हैं, तो यार बस अल्लाह पाक जो है नसीब करें और दुआ करें कि इस बार अल्लाह करे हमारी बिग डक के बच्चे निकल आए, यार उम्मीद है थोड़ी बहुत बस। यार देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार। अब जो है ना आपका भाई डिसाइड करेगा कि कौन सी फीमेल डक को हमने वहाँ पे शिफ्ट करना है, अब डिसाइड करते हैं हम। ये देखें एक अंडा ये टूटा हुआ पड़ा हुआ जो उन्होंने तोड़ दिया, बाहर आ जाओ बाहर, मुझे फीमेल डक चाहिए कोई भी एक, बाहर आओ इज्जत से बाहर आ जाओ। दो फीमेल डक्स हैं हमारी सही है, बाकी दो बाहर हैं। अब जो है ना इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है कि इसमें से किसको हम बैठाएं। अरे बैठ जाओ यार, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बैठ जाओ। नहीं 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 बाहर नहीं आना दोस्तों, ये अंडों पे बैठ नहीं रही है, बंद कर देता हूँ। ये जो है ना अंडों पे बैठ ही नहीं रही है, अब वहाँ आके इन्होंने अपने अंडों को छुपा दिया और बाहर आके जो ना यहाँ आने का कर रही है कि हम नहीं आना, लेकिन उनको मैंने वहीं पे रखना है क्योंकि यहाँ पे अंडे ख़राब कर देंगे। देखते हैं अभी थोड़ी देर, नहीं तो जो है ना अंडे उठा के मशीन में डाल देंगे, यहाँ पे डालना ही नहीं। अब आपके भाई का जो ना दिमाग ख़राब हो चुका है यार, परेशान कर दिया इन्होंने, अंडे में देती हैं बच्चे निकालती ही नहीं है, अब अलग अलग नहीं मानेंगी ना तो अंडे उठा के सारे मशीन के अंदर डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, देखो दोस्तों हमारा ये बड़ा वाला टर्की नहीं है, छोटा वाला टर्की है, जो हमारे टर्की के बच्चे हैं माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। देखिए अब फूल भी गया, आज कितना प्यारा लग रहा है, छोटा छोटा सा और फूल के घूम रहा है। ओए हेलो ओ बदमाश, ये देखिए दोस्तों कितना क्यूट सा लग रहा है यार। बस इनमें जो ना एक ये प्रॉब्लम है कि ये वाले जो हमारे बच्चे हैं ना ये थोड़े से कमज़ोर हैं, तो यार ज़रा भाई को गाइड करो इनको क्या ऐसी चीज़ खिलाएं जिससे ये मोटे ताज़े हो जाएं जो अपने माँ बाप की तरह। आया तो वहाँ जाके देखो उसने अंडा दिया, जाके देख कर आओ केस के अंदर। मैं इनको अभी खाने में फीड वीड देता हूँ और दाना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते, फीड के दीवाने कहते हैं फीड ही खाना है, तो उससे जो है ना ये इतना मोटे हो नहीं पा रहे। अब आप लोग बताओ इनको ऐसा क्या स्पेशल दूँ जिससे जो है ना ये जल्दी से जल्दी मोटे हो जाएं। नहीं दिया बस यार, ख्याल करना है, उसने अंडा नहीं खाने देना हमने उसको बिल्कुल भी नहीं यार, वो खा जाएगी अंडा, उसने अंडा देना, शोर तो जिस तरह मचा रही थी ना उस हिसाब से उसने आज अंडा देना ही है। फाइनली दोस्तों हमारे जो ये येलो वाले बनाना पैरेट्स है ना, इनका पेयर जो है ना वो अब मुझे लग रहा है कि लग चुका है, क्योंकि ये दोनों जो है ना अब एक साथ बैठे हुए थे, अभी एक मटकी के अंदर बैठा हुआ था और एक जो है ना बाहर, मेरे करीब आते जो है ना ये बाहर आए, तो उम्मीद है कि यार शायद इनका पेयर अब लग गया होगा। कितना टाइम से हम इनका वेट कर रहे हैं, देखें अब लड़ भी नहीं रहे, पास पास बैठे हुए, नहीं तो ये पहले एक दूसरे को करीब करीब बर्दाश्त भी नहीं करते थे, देखें कैसे सर से सर मिला के बैठे हैं। तो अब इनका पेयर जो है ना मुझे कंफर्म है कि लग चुका है यार, बस दुआ करें कि इनके बच्चे जल्दी से आ जाएं। बाकी हमारे फिशर है ना इनकी तो मटकियां लगे हुए ज़माना हो गया, इनके बच्चे ही नहीं आ रहे, बाकी गए कहाँ वैसे हुए हुए गए कहाँ
ये वाली तो अंदर है, नजर आ गई, ये वाले दोनों नजर नहीं आ रहे, बहुत शरारती होते हैं भाई ये। ये खोलो जरा, खोलो 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 खोलो, ये गए, ये 100% गए, मैं बता रहा हूँ। ये वाला नहीं खोलना, इसके अंदर तो है, वो नजर आ गई। ये वाले इतने शोर के बावजूद बाहर नहीं आ रहे ना, ये 100% गायब है, ये निकल गए। अंडे आए हुए, क्या बात है, क्या बात है, शुक्र है भाई है, अंडे भी आए हुए और अंदर बैठे हैं। बंद कर दे भाई, हमारी ब्लू फिशर ने भी अंडे दे दिए यार। आप लोग पूछ रहे थे ना ब्लू फिशर कहाँ है आपके, माशाल्लाह उनके अंडे आए हुए, 4 अंडे अंदर पड़े हुए और वो दोनों के दोनों अंदर बैठे हुए। भाई पीछे हो जा अभी इनके पास से, जो है ना तू बंद नहीं कर पाएगा, इनको खुला रह दिया ना तो ये उड़ जाएंगे। भाई साहब यार बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी ब्लू फिशरी ने भी जो है अंडे दे दिए हैं। हमने ब्लू फिशरी पकड़ी थी और जो उसका मेल है ना वो फरहान भाई से हमने परचेस किया था, याद होगा आप लोगों को। अब जाके जो है ना उनके अंडे आए, फरहान भाई भी मेरे से पूछते रहते थे कि उनके अंडे आए नहीं आए, बस यार अंडे तो आ गए। बाकी दुआ करें कि यार बच्चे भी किसी तरह जो है ना ये लोग हैच कर लें, जिस तरफ उनको रखा हुआ है ना वहाँ पे फुल प्राइवेसी उनको मिली हुई है, वाले कोने पे जो है ना अच्छा रिजल्ट आता है, यहाँ पे जो है ना ये मुर्गे वर्गे ये डिस्टर्ब करते हैं, उधर जो है ना थोड़ा सा अच्छा ही रहता है। तो बस उम्मीद है कि आ जाएंगे बच्चे। अभी जो है ना हम चलते हैं, मैडम के जो 5 अंडे जमा हुए हैं ना इनको इंक्यूबेटर के अंदर डालकर आते हैं, क्योंकि जो है ना अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, सर्दियाँ होती ना तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी, सर्दियों में तो ये है कि हम अंडे जो है ना सही रह जाते हैं, लेकिन गर्मियों में जो है ना ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। मैडम के 5 अंडे आए हुए कम से कम 5-6 दिन होगा और गर्मियों में अंडे 3 दिन से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो इनको हम डाल देते हैं मशीन के अंदर। भाई हिलने नहीं चाहिए अंडे, बिल्कुल भी नहीं हिलने चाहिए अंडे, सुकून से तसल्ली से आराम से। ये भी असली है, हाँ हिलने नहीं चाहिए। आ जाओ इसको इंक्यूबेटर में रख कर आते हैं और इसके ऊपर M लिखेंगे बड़ा बड़ा के, मैडम के अंडे, मैडम और प्रोफेसर के अंडे। आ जाओ हम लोगों ने भी वजू करके पहुंचना है अभी फौरन से। हाँ कुरान पाक पढ़ लें फटाफट से, हम लोगों ने भी पहुंचना है वजू करके। हाँ भाई को बुला लो, सारे पहुंचते हैं यहाँ पे वजू करके, भाई कुरान खानी है तो हम लोग भी सारे जने यहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ेंगे। हाँ तेरे को मैं चमाटे खिलाऊंगा। और आज का ओए ये क्या हुआ था, इसके अंदर से मट्टी हमारे पे गिरते गिरते बच गई है यार, इसको रखो संभाल के। यार आज का व्लॉग जो है ना हम यहीं पे रोकते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अभी हमने नीचे जाना है कुरान खानी है, तो वहाँ जाके हमने सिपारा पढ़ना है, तो रोज़ा भी है और रोज़ा भी आज मेरे ख्याल से नीचे ही खुलने वाला है, कुछ स्पेशल होगा। तो यार मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई अलग वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।